हाय गाइस, आज हम देखेंगे जावा प्रोजेक्ट की फाइल कैसे बनती है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ जावा प्रोजेक्ट का सिलेबस। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जावा जो प्रोजेक्ट है उसका मैंने सिलेबस ओपन कर लिया है। यहाँ पे मेंशन है सॉफ्टवेयर लैब ऑन जावा बेस्ड सी जावा प्रोग्रामिंग। तो ये आपका है टोटल जो यूनिवर्सिटी मार्क्स हैं 35 मार्क्स हैं, इंटरनल 15 है और टोटल जो मार्क्स बनते हैं 15, राइट। तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम 35 मार्क्स का है और 15 मार्क्स आपके इंटरनल के हैं। ओके, इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो देख लेते हैं। स्पेसिफिकेशन क्या है, इसके अंदर हमने क्या बनाना है प्रोजेक्ट के अंदर, और फाइल आपने कैसे रेडी करनी है, राइट। तो मैं आपको दिखाता हूँ नीचे सिलेबस में। ये आ गया, मोर ऑन जावा बेस्ड ऑन पेपर BCA 314 जावा प्रोग्रामिंग। सबसे पहले ये इसमें तीन एक्टिविटीज हैं। फर्स्ट एक्टिविटी आपका बेसिक आइडिया प्रोजेक्ट का है जो आप इंप्लीमेंट करेंगे, उसका डिजाइन होगा, देन उसका बैकएंड क्या होगा, राइट। फिर आपने डाटाबेस बनाना है, उसके अंदर रिपोर्ट जनरेट करनी है, आपने डाटाबेस रिक्वायरमेंट्स कनेक्टिविटी भी करनी है, फिर उसके ओवरव्यू भी बताना है आपने। सेकंड एक्टिविटी में आपने डिज़ाइन जो बना रखा है उसका टेम्पलेट आपने स्क्रीनशॉट लेके अपनी फाइल में लगाना है। देखिए लिखा होना है स्नैपशॉट्स ऑल दी फॉर्म्स टू बी दी अटैच लोन विद योर कोड। जैसा आपने डिज़ाइन बनाया है उसका कोड आपने साथ में लिखना है, राइट। और लास्ट थर्ड एक्टिविटी, राइट ए कोड इवेंट हैंडलिंग डाटा कनेक्टिविटी एंड रिपोर्ट जनरेशन। आपने पूरा एक्सप्लेनेशन करना है आपका प्रोजेक्ट का, आपने एक एल्गोरिथम बनानी है, लाइक ए चार्ट बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना है आपका प्रोजेक्ट वर्क कैसे करता है, राइट। तो मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ, सैंपल दिखाता हूँ। आपने उस चीज को कैसे करना है, राइट। मैं आपको क्लियर करता हूं, ये देखिए। मैं एक पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की जावा प्रोजेक्ट की फाइल है, तो 6M BCA के लिए है। तो ये आपका फ्रंट पेज हुआ। फ्रंट पेज में आपने क्लास और सेमेस्टर और प्रैक्टिकल फाइल और आपका सब्जेक्ट का नेम, सबमिटेड टू डॉक्टर तजिंदर सिंह मेरा नाम है, और सबमिटेड बाय जो आपके स्टूडेंट्स का नेम है, राइट। ओके, नीचे आपका कॉलेज का नेम आएगा। उसके बाद आपका टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट में मैंने इसको डिवाइड किया है थ्री कैटेगरीज, थ्री एक्टिविटीज में। फर्स्ट एक्टिविटीज आपको ओवरव्यू ऑफ योर बेसिक प्रोजेक्ट, आपके प्रोजेक्ट का ओवरव्यू होगा। सेकेंड में आपने स्नैपशॉट और डाटाबेस स्नैपशॉट लगाना है। थर्ड में आपने कोड लिखना है कि बटन के क्लिक पे आपने कौन सा कोड किया है। उसके बाद आपने लिखना है डाटाबेस कनेक्टिविटी कौन सी है, फिर आपने रिपोर्ट जनरेशन का कोड लिखना है, और लास्ट में आपने एल्गोरिथम मिंटू से कि आपने आपका फ्लो चार्ट बताना है कि प्रोजेक्ट वर्क कैसे करता है, राइट। मैं आपको वन बाय वन दिखाता हूँ। ये आपका बेसिक आइडिया हो गया, प्रोजेक्ट के बारे में आपने लिखना है, जैसे इन्होंने लिखा मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन, इनके फॉर्म डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, राइट, इंट्रोडक्शन। फिर आपने थोड़ा सा उसके बारे में बताना है कि जावा के बारे में भी बताना है, राइट, जावा के बारे में लिखना है। फिर उसके बाद एडवांटेज आपने लिख देनी है जावा की, देन आपने इंट्रोडक्शन टू स्विंग, स्विंग के बारे में लिखना है, उसके बारे में आपने डाटाबेस जो आप बैकएंड पे यूज करते हो, जैसे यहाँ पे मैं MySQL लिख रहा हूँ, अगर आप MS Access यूज कर रहे हो तो आपने MS Access के बारे में ही लिखना है, अगर आप Oracle यूज कर रहे हो तो Oracle के बारे में ही आपने ओवरव्यू देना है। ओवरव्यू में क्या करेंगे, आप थोड़ा सा डाटाबेस के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद क्वेरीज के बारे में बताएंगे, राइट। जैसे मैंने ये थोड़ा सा बता दिया कि डाटाबेस में टेबल कॉलम ये प्राइमरी की फॉरेन की क्या होती है, देन उसके बाद मैंने डाटा इंसर्ट कैसे होता है, डिलीट कैसे होता है, अपडेट कैसे होता है, उसके बारे में क्वेरीज के बारे में लिखा हुआ है, राइट। तो ये मेरी फर्स्ट एक्टिविटी के अंदर आएगा, ओवरव्यू ऑफ योर प्रोजेक्ट, देन जावा इंट्रोडक्शन, देन इंट्रोडक्शन टू स्विंग एंड
The fourth point is introduction to database. Database जो आप यूज कर रहे हो, MS Access कर रहे हो, आप MySQL यूज कर रहे हो, Oracle यूज कर रहे हो, राइट, एसेक्ट्रा कोई भी यूज कर रहे हो, तो उसके बारे में आप ओवरव्यू दोगे उसको। सेकेंड एक्टिविटी, आपने स्नैपशॉट ऑफ GUI फॉर्म्स का बनाना है। ये आपने कैसे लेना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका लॉग इन पेज बना हुआ है, तो मैंने लॉग इन पेज का एक स्नैपशॉट निकाला। स्नैपशॉट आपने वैल्यू एंटर करके लेना है, ओके। उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में लिखना है कि जो पेज है वो क्या करता है, ओके। फिर उसकी डिजाइन वाली कोडिंग, ओनली डिजाइन वाली कोडिंग, आपने बटन पे क्लिक पे क्या हो रहा है वो कोडिंग नहीं लेनी है। ओनली जो इस पेज को बनाने के लिए जो कोडिंग यूज हुई है, इसका डिजाइन करने के लिए जो कोडिंग हुई है, वो आपने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। तो ये कोडिंग मैं नेटबीन्स यूज कर रहा हूँ, तो नेटबीन्स से मैं डाटा कॉपी कर रहा हूँ। मैं आपको बता देता हूँ आपने कौन सा कॉपी करना है। सपोज मैंने लॉग इन पेज निकालना है, तो मैं आपको बता देता हूँ लॉग इन पेज कैसे निकालना है। सपोज यहाँ पे मेरे पास लॉग इन पेज है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास लॉग इन पेज है, ये देखिए। तो लॉग इन पेज का मेरा डिजाइन होगा यहाँ पे जैसे ये बना हुआ है। सोर्स में जाना है, सोर्स में जाके आपने यहां से कॉपी करना है, राइट। आपने ये थोड़ा सा इंश्योर करना है कि आपने कमेंट्स कॉपी नहीं करने हैं, राइट। तो ये भी आपने कॉपी करना है, जनरेट कोड, ठीक है, अगर आप नेटबीन्स यूज कर रहे हो तो। सॉरी, ये वाला जो कोड है बटन के क्लिक पे, ये आपने कॉपी नहीं करना है। बटन के क्लिक पे जो भी कोड आपको दिखेगा, जैसे ये लिखा है ना एक्शन परफॉर्म्ड, ये आपने कॉपी नहीं करना है, राइट। आपने सिर्फ तो सिर्फ डिजाइन वाला कोड कॉपी करना है, उसके बाद आपने मेन वाला कोड कॉपी करना है और ये वाला कोड, दैट्स इट। ये जो कोड मैंने कर रखा है, ये वाला कोड, ये आप कोड यहाँ पे डिजाइनिंग में कॉपी नहीं करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा फिर लैबोरेट कर रहा हूँ। सबसे पहले पैकेज की इंफॉर्मेशन, फिर उसके बाद क्लास की इंफॉर्मेशन, फिर आपने कंस्ट्रक्टर की इंफॉर्मेशन कॉपी करनी है, आपने जनरेट कोड को कॉपी करना है। जो आपके ये बटन्स हैं, यहाँ पे देखिए ये तीन बटन्स है, इसका कोड मैं कॉपी नहीं करूँगा, फिर मेन का कोड कॉपी करूँगा और फिर लास्ट में ये वाला कोड कॉपी करके ख़त्म कर दूंगा। तो जितने भी आपने पेज आगे कॉपी करने हैं, तो यही फंडा आपने फॉलो करना है, राइट। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, कॉपी करने से पहले आपने पेज का नाम देना है डॉट जावा, फिर यहाँ पे पेस्ट करना है, स्पेसेस आपने रिमूव कर लेनी है, ओके। तो फिर ऐसे ही नेक्स्ट पेज आपका जैसे मेन पेज है लॉगिन के बाद, तो मेन पेज आएगा, डिस्क्रिप्शन आई, फिर उसका कोड, डिजाइनिंग वाला कोड, ये आपने याद रखना है, डिजाइनिंग वाला कोड कॉपी करना है। आपने मेन्यूज पे क्लिक पे क्या हो रहा है वो कोड कॉपी नहीं करना है, राइट। तो ऐसे ही आपने कॉपी कर लेना है, सभी फॉर्म का ऐसे ही कोड आपने कॉपी करना है। ये देखिए मैंने फॉर्म सारा फिल कर लिया और उसका स्क्रीनशॉट लिया, डिस्क्रिप्शन दिखा दी आपने, ये देखिए बटन के क्लिक पे आपने कोड कॉपी नहीं करना है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आ जाना है, सभी कोड का ये डिजाइन कॉपी ले लेना है, ओके। लास्ट में जैसे ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट का कोड आपने कॉपी करना है सारा, जितना भी आपका कोड है, ठीक है, ओके जी। ये आपका कॉपी हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे स्नैपशॉट ऑफ डाटाबेस, डाटाबेस का डिजाइन का स्नैपशॉट लेना है। जैसे मैंने MySQL का ले रखा है यहाँ पे, अगर सपोज आपके पास MS Access है, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर सपोज आपके पास MS Access है, तो आपने उसका स्क्रीनशॉट कैसे लेना है, स्क्रीनशॉट आपने उसका कैसे लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टूडेंट्स को ओपन कर लिया, ये मेरा डाटाबेस है, तो इसका मैं स्क्रीनशॉट कैसे लूंगा, मैंने यहाँ पे करना है राइट क्लिक, डिजाइन व्यू, तो इसका मैंने स्क्रीनशॉट लेना है।
इस स्क्रीन का मैंने स्क्रीनशॉट लेना है और फाइल के अंदर मैंने यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। फिर उसके टेबल के बारे में लिखना है, व्हाई यूज ऑफ दिस टेबल एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस टेबल। ओके, ऐसे ही मैंने जितने टेबल बनाए हैं अपने डाटाबेस में सभी का यही सेम फंक्शनलिटी अपने फॉलो करना है। पहले स्क्रीनशॉट लेना है, डिस्क्रिप्शन लिखनी है। ओके ओके जी, नेक्स्ट इज लास्ट में एक्टिविटी थ्री में आपने क्या करना है। आई होप कि आप अपनी टू एक्टिविटीज को अंडरस्टैंड कर गए हैं उसमें क्या लिखना है। ओके, थर्ड एक्टिविटीज में राइट ए कोड ऑन इवेंट हैंडलिंग। इवेंट हैंडलिंग का मतलब होता है कि बटन के क्लिक पे क्या करोगे आप। तो सबसे पहले लॉगिन पेज, सबसे पहले लॉगिन पेज, लॉगिन के जो मैंने बटन बना रखा है, बटन पे जो मैं क्लिक करूंगा लॉगिन पेज के, वहां पे क्या होगा, वहां पे क्या होगा, तो मैंने उस कोड को कॉपी करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपने एक चीज में मिसिंग कर यहाँ पे रह गई है। जैसे नीचे आपने देखा होगा कि सेकंड फॉर्म है, तो आपने नाम लिखना है कि आप किस कोड का इवेंट फायर कर रहे हो। तो वहाँ यहाँ पे मैंने लिखना था लॉगिन बटन इवेंट, राइट कोड। तो इसको आपने कॉपी करना है। अब आपको बताता हूँ प्रोजेक्ट में आपने कहाँ से कॉपी करना है। नेटबीन्स आपने ओपन करना है, नेटबीन्स आपने ओपन करना है जी। ये देखिए नेटबीन्स आपने लॉगिन पेज ओपन किया हुआ है। डिजाइन पे जाओ, लॉगिन पे डबल क्लिक करो, राइट। तो लॉगिन पे ये वाला कोड, यहां से लेके ये पूरा कोड आपने कॉपी करना है, जितना भी कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट्स इट, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है, एक अब यहाँ पे क्लिक करके भी यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, ऐसे भी कॉपी किया जा सकता है। राइट क्लिक करना है, कॉपी, ठीक है, तो आपका सारा कोड कॉपी हो जाएगा। इसको आपने डायरेक्टली वर्ड पे नहीं पेस्ट करना है, ये आपने याद रखना है। डायरेक्टली आप नोटपैड में पेस्ट करोगे, फिर यहाँ पे आप यहाँ पे इसकी स्पेसेस जो हैं, जैसे ये स्पेसेस हैं, ये आपने रिमूव करनी है ऐसे, ठीक है। ये आपने स्पेसेस रिमूव कर लेनी है, ठीक है। कमेंटिंग, जो कमेंट बॉक्स में कमेंट बन के आ रहे हैं, वो आपने डिलीट करना है, ठीक है। ये चीज़ें कमेंट हटा देने हैं, जो अपने कमेंट्स बने हुए हैं, ठीक है। ये सब कुछ कमेंट्स हैं और कमेंट आपने हटा देने हैं, ठीक है। जो भी आपका कमेंट बनेगा कोड, वो आपने हटाना है, ठीक है। जैसे ये कमेंट है, मैंने हटा दिया, तो ये मेरा कोड वहाँ पे पेस्ट होना चाहिए, ठीक है। मैं आपने दिखा दिया आपको, आई थिंक आप अंडरस्टैंड कर गए हैं। यहाँ पे पेस्ट करना है सेम, अगर आपके पास एक पेज में दो बटन है तो दो की कोडिंग, अगर आपके पास एक बटन है तो एक की कोडिंग, ठीक है। तो सेम आपने नाम देना है और उसमें कोड पेस्ट कर दे जाना है। तो पहले आपने नोटपैड में पेस्ट करना है, वहाँ पे स्पेसेस रिमूव करके यहाँ पे फिर पेस्ट करना है, ठीक है। तो आपने ये रखना है, जो कोड का फॉन्ट है मैंने 10 रखा हुआ है। वैसे आपको सैंपल मैंने अटैच कर दिया है, तो सैंपल से आप इसको डाउनलोड कर लेना, फिर आपको देख लेना भी कैसे बनाना है, ठीक है। और इस ये आपका लास्ट एक्टिविटी है, आपने सेम इसको फॉलो करके बनाना है, और लास्ट में आपका रिपोर्ट का जो कोड है वो आ जाएगा, राइट। और ये आपकी लास्ट में जो है आपका एल्गोरिथम इम्प्लीमेंटेशन, आपने ऐसे फ्लो चार्ट बनाना है, जैसे स्टार्ट, लॉग इन, यूजर नेम आपका, या अगर आपका यूजर नेम सक्सेसफुली होता है तो आपकी कौन सी फाइल, कौन सा फॉर्म ओपन होगा। जैसे इन्होंने इन्फो, कॉलेज इन्फो लिखा है, रिपोर्ट आप ओपन कर सकते हो, एम्प्लॉय इन्फो कर सकते हो, रिपोर्ट से रिपोर्ट जनरेट होगी, कहाँ से होगी, डाटाबेस से होगी। एड, डिलीट, अपडेट, सर्च, रिफ्रेश बटन है आपके, क्या करेंगे, डाटाबेस से डाटा फेच करेंगे। तो राइट, ये सारा प्रोसेस आप यहाँ फ्लो चार्ट में दिखा सकते हो, आपका प्रोजेक्ट कैसे काम कर रहा है। आई होप के यू अंडरस्टैंड ऑल दी एक्टिविटीज वेरी वेल। अगर आपको क्वेश्चन है, आप राइट कमेंट सेक्शन में जाके आप लिख सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।